अच्छा देवी, अब मुझे जाना होगा, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। कुछ देर और रुक जाते मारुति तो हमें अच्छा लगता। वहाँ मेरी माँ क्रोध में बैठी होंगी, ना जाने क्या सुनना सहना पड़ेगा। जब ऐसे ही क्रोध ने मेरे सुखी विवाहित जीवन को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। आप सत्य कह रहे हैं विश्वकर्मा जी, क्रोध की आग बड़ी भयानक होती है। आग तुंग ना तिट कता गदि गन, आग तुंग ना तिट कता गदि गन, दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड नग तुंगिड नग दिट कतान, दिट कता दा 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 दा। देवी घृता जी ने तो अपना जीवन पूरी तरह से नृत्य को समर्पित कर दिया है। मारुति को गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। जामवन जी गए थे तो एक आस बंधी थी, किंतु उन्होंने भी अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। स्वामी, मैं तो चिंता के कारण सो भी नहीं पा रही हूँ। कहीं उस भयानक वानर के कारण उन्हें कोई समस्या ना हो गई हो। कुछ कुछ चिंता तो अब हमें भी होने लगी है पुत्री, किंतु इतना विश्वास अवश्य है पुत्र केसरी कि हमारे नन्हे मारुति पर कुल देवता पवन देव की दृष्टि सदैव बनी रहती है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे नाती पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। अरे हमारा मारुति तो संकट मोचन है। वो तो दूसरों के संकट को हर लेता है, उस पर कोई संकट कैसे आ सकता है। महाबली काका, इतने दिनों से आपने कोई समाचार नहीं भिजवाया, हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ हाँ जामवंत जी, हम सब यहाँ मिलकर यही चर्चा कर रहे थे कि कहीं उस भयानक वानर के कारण कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई। नहीं नहीं कुंजर जी, मुक्ति वानर के समस्या का समाधान हो चुका है। महाबली काका, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु हुआ क्या उस मुक्ति वानर का? जामवन जी, मुक्ति वानर के रूप में कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा देव है। आप किसी को ये बताइए मत। वो तो वानर श्रेष्ठ विश्व विश्वा है। आइए 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 विश्वा जी। ताजी, आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, गुरुदेव भरत मुनि तो प्रसन्नता से झूम उठे। हाँ, उन्होंने तो कह ही दिया कि पूरे इंद्रलोक में ऐसी नृत्यांगना नहीं है। किंतु घृताची, गुरुदेव ने जो नृत्य नाटिका तैयार की है, जिसमें नायिकाओं के 9 रूपों का अभिनय करना है, वो बहुत ही कठिन है। कठिन तो होगा ही, किंतु मैं भी जी जान लगा दूंगी, दिन रात एक करके उस नृत्य नाटिका को तैयार करूंगी। अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई।
घृताची, एक वानर बालक आया था और तुम्हें पूछ रहा था। वानर बालक मुझे पूछ रहा था? हाँ, किंतु मैं तो किसी वानर बालक को नहीं जानती। अच्छा घृताची, अब तुम विश्राम करो, हम सब चलती हैं। मुझसे मिलने कौन वानर बालक आया होगा? बड़ी भाग्यशाली है घृताची तो। हाँ, परिश्रम भी तो इतना करती है, दिन रात नृत्य के बारीकियों में लगी रहती है वो। ये देवी घृताची के कक्ष से आ रही है। केसरी, पुत्र ये वानर श्रेष्ठ विश्वा है। कुछ कारणों से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, किंतु अब सब ठीक है। हमारी आपसे भेंट पहले भी हो चुकी है महाराज। मैंने अब तक जो भी किया उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में स्वयं को पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाबली काका, मारुति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या है कि अंजना, अब मारुति के कुछ और कार्य शेष रह गए, वो करके आ जाएगा, किंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केसरी, पुत्र मारुति की ये इच्छा थी कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक विश्वा जी का यही महल में रहने का प्रबंध किया जाए। अवश्य महाबली काका। विश्वा जी, हमारे महल में आपका स्वागत है। सैनिक जी, जी महाराज, इनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करो। जो आ गया महाराज, आइए। ये मारुति भी न जाने क्या क्या कार्य करता रहता है। वानर बालक, अच्छा तो तुम ही हो वानर बालक जो मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ देवी घृताची, पृथ्वी लोक के अंजन प्रदेश से मैं आपको मिलने आया हूँ। पृथ्वी लोक से? किंतु तुम हो कौन और मृत्यु लोक से यहाँ तक कैसे आए?
मैं अंजन प्रदेश के महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। अच्छा, तुम तो बड़े ही विचित्र वानर लगते हो, किंतु तुम मेरे पास क्यों आए? देवी, आपके नृत्य के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए आपसे मिलने के लिए चला आया। अच्छा, इसका अर्थ मेरे नृत्य की चर्चा पृथ्वी लोक तक होने लगी है? हाँ, आपकी चर्चा पृथ्वी लोक पर तो हो ही रही है, किंतु देवी, मात्र ताल पर भंगिमय बना लेने को नृत्य नहीं कहते। अच्छा, एक बालक होकर ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम कोई बड़े नट सम्राट या नटराज हो। नटराज तो कहते हैं सब हमें, जब हम आनंद में लीन होकर लास्य नृत्य करते हैं तो सृष्टि में निर्माण होने लगता है, और जब हम क्रुद्ध होकर तांडव नृत्य करते हैं तो प्रलय मच जाती है। क्या सोच रहे हो वानर बालक? बोलो, क्या जानते हो तुम नृत्य के बारे में? देवी, नृत्य मात्र मनोरंजन की कला ही नहीं है, साधना है, एक योग सिद्धि है। जब नृत्य सिद्ध योगी हृदय से नृत्य करता है तो सृष्टि झूमने लगती है, नए निर्माण होने लगते हैं। ऐसे नृत्य को लास्य नृत्य कहते हैं। आश्चर्य है, एक बालक होकर नृत्य का इतना ज्ञान। और सुनिए देवी, यदि सिद्ध नर्तक क्रुद्ध होकर नृत्य करता है तो प्रलय होती है। ऐसे नृत्य को तांडव नृत्य कहते हैं। इसीलिए सदा ध्यान रखिए कि नृत्य में भंगिमाओं के साथ साथ भावों का भी बड़ा महत्व होता है, तभी नर्तक नृत्य की पराकाष्ठा को छू सकता है, वही नृत्य की चरम सीमा है। तुम तो भगवान शिव की तरह बातें कर रहे हो। नृत्य की ऐसी परिभाषा तो मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। मुझे नृत्य के बारे में और बताओ। अरे देवी, नृत्य के बारे में ही पूछती रहेंगी या मुझे कुछ खिलाएंगी भी? हाँ हाँ, अवश्य। आज मैं तुम्हें ऐसे फल खिलाती हूँ जो तुमने पृथ्वी लोक में कभी भी नहीं खाए होंगे। मारुति, ये कल्प वृक्ष है, इससे तुम संसार की जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, क्या ये लड्डू भी दे सकता है? हाँ, मांगो इसे जो भी मांगना है। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इनसे मांगते जाइए। सबसे पहले तो मैं लड्डू मांगूंगा। ठीक है, हे कल्प वृक्ष, हमें लड्डू प्रदान करें।
बारे में बताओ। नहीं, पहले मैं खाऊंगा। अब मैं पेड़े मांगूंगा। अब मुझे पेड़े चाहिए। हे कल्प वृक्ष, हमें पेड़ा प्रदान करें। नारायण नारायण, वाह प्रभु, आप तो पकवानों का आनंद ले रहे हैं और नृत्य को समर्पित घृत्याची के हृदय में आपने जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अपने नृत्य से सबका मन मोह लेने वाली घृत्याची आज स्वयं ही महादेव की माया में फंस गई हैं। किंतु देव ऋषि, मारुति तो विलंब कर रहे हैं। वो जिस कार्य के लिए आए हैं वो बता क्यों नहीं देते घृताची को? गंधर्वराज, विश्वकर्मा जी का नाम लेते ही देवी घृत्याची क्रोधित हो जाएंगी और कभी भी पृथ्वी लोक नहीं जाएंगी। तभी तो प्रभु ने ये लीला रची है। अब देखते जाइए, नट सम्राट भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी की लीला। नारायण नारायण। मारुति, अब तो तुम्हारा पेट भर गया होगा ना? अब हमें नृत्य के बारे में बताओ। अरे देवी, इस कल्प वृक्ष के लड्डू आदि फल तो इतने स्वादिष्ट है कि पेट भले ही भर जाए किंतु मन नहीं भरता। मारुति, अब खाते भी जाओ और हमें नृत्य के बारे में बताते भी जाओ। अरे देवी, आप भी खाइए ना, बहुत ही अच्छे हैं, आनंद आ जाएगा। हमें नहीं खाना है। तुम नृत्य के बारे में बहुत कुछ जानते हो, अब मुझे बताओ। मैं नृत्य के बारे में और भी जानना चाहती हूँ, भले वो जानकारी मुझे बच्चे से क्यों ना मिले। बच्चा तो हूँ किंतु नृत्य के बारे में कच्चा नहीं हूँ। किंतु पहले कल्प वृक्ष को धन्यवाद तो दे दूं। हे स्वर्गलोक के कल्प वृक्ष, आपने मुझे इतने रुचिकर पदार्थ दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए प्रभु। ओ भाग्य मेरे जो आप यहाँ पधारे, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। अच्छा चलो, अब शीघ्र मुझे नृत्य की चरम सीमा और उसकी पराकाष्ठा के बारे में बताओ। देवी, इतना खा लिया कि नींद आने लगी है। बड़ी दूर से आया हूँ ना, थक भी गया हूँ, मुझे विश्राम करना है। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करती, यही उपवन में विश्राम करो। ये तो और अच्छा है, नींद खुलेगी तो और लड्डू मांग लूंगा। क्या पहली बार अपने इस रूप में यहाँ स्वर्ग लोक में पधारे हैं तो सबको आपके दर्शन हो जाए? सबके भले के लिए ही मैंने ये सब किया। वैसे भी आप इधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, उसका परिणाम भी भला ही होता है। अब तुम हिमालय जाके तप करोगे,
परंतु किसी को तुम्हारे जाने की भनक तक नहीं लगी। लंकेश,